हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एलेक्स मर एंड आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्टोरी डालना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे हाई क्वालिटी रील्स वीडियो कैसे बनाते हैं और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास प्रीमियर प्रो या एडियस ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है तो आप जो मैं बताने वाला हूँ वो आप सेटिंग रख के आप बहुत ही आसानी से हाई क्वालिटी रील्स वीडियो बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना प्रीमियर प्रो ओपन करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं दो वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट अपने को फाइल में जाना है, फिर उसको नेक्स्ट न्यू, उसके बाद सिक्वेंस। मैंने यहाँ पे सिक्वेंस भी किया तो अपने को यहाँ पे 24 एंड 25 एंड 30 पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 25 पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके नेक्स्ट अपने को सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके अपने को फ्रेम साइज सेट करना है जो एक्चुअल साइज होता है रील्स के लिए। तो मैं यहाँ पे 640 ऐड कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल में, एंड नेक्स्ट वर्टिकल में मैं करता हूँ 1136। ओके, अगर ये प्रीसेट आप सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो आप यहाँ पे सेव प्रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑलरेडी इसको सेव करते हैं, सेव कर सकते हैं। तो अपना यहाँ पे हो गया, तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना रील्स वीडियो का जो है साइज एक्चुअल दिख रहा है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट अपने को यहाँ पे दोनों जो वीडियो इंपोर्ट किया मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग कर लेता हूँ। तो अपने को यहाँ पे ऑप्शन दिखता है कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे जो ये दोनों क्लिप है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑडियो को रिमूव कर देता हूँ पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, पहले थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो दोनों क्लिप है मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देता हूँ स्केल का, तो मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। ओके, तो अब बारी आती है एक्सपोर्ट की। तो सबसे पहले अपने को फाइल में जाना है, नेक्स्ट अपने को एक्सपोर्ट, उसके बाद मीडिया, तो मीडिया पर क्लिक करता हूँ। तो अपने को इस तरह से डायलॉग बॉक्स दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने को फॉर्मेट पे सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में मैं यहाँ पे H.264 पे मैंने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट अपने को प्रीसेट में मैच सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने को डेस्टिनेशन देना है जहाँ पे अपने को ये वीडियो सेव करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट नेम, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिक्वेंस 2 पे। उसके बाद यहाँ पे मैं नेम देता हूँ रील्स। ओके, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, सेव कर दिया। नेक्स्ट अपने को जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ उसको। डू यू वांट टू रिप्लेस इट? ओके, तो इस तरह से अपने जो रील्स वीडियो आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।